हाँ बेटा, कल्याणी तू ही जा और ये खबर सुगना को दिया। बियासु पहुंचते सुमित्रा, अब तुम्हारी बेटी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आने को है। अब किस बात करो ना, मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। बेटा, गुड़ का हलवा जरूर बनाना, इतनी बड़ी खुशी की बात है, सबका मुंह मीठा तो करना जरूरी है ना। मैं भी हलवा बनाऊंगी। हाँ तो जाना, तब तो मैं अपने स्कूल का काम कर लूंगा। कैसे बात कर रहा है तू? चल जा और ये सामान भी अंदर रख दे। आइए मासी जी, आप भी हाथ मुंह धोकर कुछ देर आराम कर लीजिए। हाँ बेटा। दादी साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपसे पूछा भी नहीं और पढ़ने लगी, लेकिन दादी साहब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा है। आपने बड़ी मासी जी पे क्यों गुस्सा किया? अगर आपको नाराज हो रहा था तो आप मेरे ऊपर हो जाती। दादी साहब, बड़ी मासी जी ने ये सब कुछ मेरे लिए किया, मेरा मन बहलाने के लिए किया। बहुत दुखी हो गई थी बड़ी मासी जी, हमने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, फिर वो नहीं माने, वो घर छोड़ के चले गए। जी जी वापस आ गई हैं। दादी साहब, मैं अभी सारी किताबें कोठरी से बाहर निकाल दूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। जो काम आपको नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी ही कहती रहेगी जब हमारी बात भी सुनेगी। अब से तू भी जगदीश के स्कूल जावेगी पढ़ाई करने। बहुत मन है ना थारो, तो बस पढ़ाई शुरू कर। दादी सा, आप नहीं जानती दादी सा, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा। मन ना भी माने ना छोरी, तो भी कुछ फैसले बड़ों का मान रखने को लेने ही पड़े हैं। हार मारी सुगनी खुश तो मैं भी खुश, पर छोरी अब जिम्मेदारियां और बढ़ जावेंगी थारे पे।
घर के भीतर का जीवन और बाहर का जीवन बहुत अलग हो गए। एक एक पग संभाल के रखने की जरूरत पड़े, समझ गई? चल, थारी माँ ने रसोई पका दी तो साथ मिल के खावेंगे सब। चल। क्या देख रहे हैं? चांद को देख रहा हूं। चांद को? मगर खिड़की की तरफ तो पीट करके खड़े हैं आप। क्योंकि मुझे उस आसमान वाले चांद से ज्यादा ये जो अंदर वाला चांद है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप पीना। तो खुश तो है ना सुमित्रा? ये कैसा रिश्ता है तेरी आंखों का आंसुओं के साथ? खुशी में और भी ज्यादा छलक आते हैं। मैं जानता हूं सुमित्रा, पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा सहा शायद हमारे जीवन की सबसे दुखद घटना है। सुगना ने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अमावस के बाद पूनम की तरह हमारी बेटी के जीवन का अंधेरा दूर होता नजर आ रहा है सुमित्रा। हम अपनी लाडली बेटी को एक नई दुनिया में कदम रखते हुए देखेंगे, वो दुनिया जो उसके जीवन को खुशियों से भर देगी, एक नई पहचान देगी हमारी सुगना को। उसकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस ले आएगी। मुस्कुराहट जो मैं सुगना की मां के चेहरे पर देखने के लिए तरस गया हूं। जरा देखूं तो मेरा चांद मुस्कुराता हुआ कैसा लगता है। अरे वाह लाडी सर, स्कूल के लिए तैयार भी हो गया तू। बापू आज आते आते थोड़ी देर हो जाएगी, मास्टर जी एक और कक्षा लेने वाले हैं, पढ़ाई पूरी करनी है ना। ठीक है बेटा। कितना बोझ है पढ़ाई का आजकल के बच्चों पे, जी भर के खेलने का वक्त भी ना मिले। अच्छा मैं चलता हूँ। जग्या रुक तो, सामने ही रख कर आई थी फिर भी भूल गया। मैं ना देखती ना तो तू पूरा दिन भूखा ही रहता। ले। ठीक है ना, इतना डांट क्यों रही है? आनंदी बेटा, एक चाय और मिलेगी? एक मेरे लिए भी। आप लोग लेंगे? हाँ। पी लो ना दादी सा, मैं मसाला डाल के बनाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, बना रहा मान ली भी। ये गुड़िया सी बींदनी कितनी सयानी हो गई है कल्लो, अभी से अपनी बींद का कितना ध्यान रखने लगी है। अरे जी जी, जब नई नई आई थी ना तो दिन भर उछल कूद करती रह रही थी। मैंने सख्ती ना दिखाई होती इस पे
तो आप खुद मारे से पूछती कि जब बंदरिया सी बींदड़ी कहाँ से ले आई। ओहो, तो तूने डांट डपट कर सुधारा है आनंदी को, क्यों? हाँ तो जी जी, हर बात लाड प्यार दिखाने से ही ना सुलझ जावे। इसी लाड प्यार की वजह से तो इसके माँ बापू ने कुछ ना सिखाया, इसे कोरे ही भेज दिया। अब हमारे घर आ गई तो हमारी जिम्मेदारी बने ना अपनी बींदड़ी को अच्छे संस्कार देने की। यही तो सबसे बड़ी बात है कल्लो थारे में, खुद की प्रशंसा करने का कोई मौका गवाती ना है तू। हाँ हाँ, हमारे छोरों के आगे हमारी खिंचाई करते बड़ो मजो आवे ना जी जी। सुगना बेटा आ जा, आ जा बैठ हमारे पास। हाँ तो भैरव, अपनी मासी जी को तू हाट कब ले जा रहा है ये बता। अभी तो मासी जी बैंक के कुछ काम से जाना है, दोपहर में चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। हाँ अरे मासा, अच्छा याद आया, आखा ती जाने वाली है। हाय, हम तो भूल के बैठ गए थे, सर पर आई क्या आखा तीज? और मासी जी, आपके हाथ की बनी हुई खींच नहीं खाई, इतने बरस हो गए, हम सबके लिए बनाइए ना इस बार। भाई साहब क्या याद दिलाया आपने, मासी जी के हाथ की बनी हुई खींच में जो स्वाद है ना, वो स्वाद तो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ हाँ भाई, बना दूंगी, ढेर सारा बना दूंगी, जी भर के खा लेना सब। दादी साहब, बापू, अक्का तीज के दिन ही जग्गिया का ब्याह हुआ था ना। अरे हाँ, देखा कितनी बड़ी बात भूल गए थे हम लोग, अगर सुगना याद ना दिलाती तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता। अरे भाई अगर ऐसा है तो खींच ही क्यों, तीज वाले दिन तो ढेर सारे पकवान बनेंगे, अपने बेटी की शादी की सालगिरह अच्छी तरह से मनाएंगे हम सब। और भैरव वसंत, किस किस को बुलाना होगा? बिंदनी तू? जी जी, जिस सालगिरह मनाने की बात मने ठीक ना लागे। क्यों? साल भर का शोक खत्म कहाँ हुआ जी जी, तीज त्योहार कुछ भी ना मना सके। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही कर लो, माफ करना, ऐसा नहीं कि मैं भूल गई हूँ, पर तो क्या हुआ बड़ी मासी जी, आप ही तो कहती है ना कि शोक मन में होता है, दुनिया को जताने की जरूरत नहीं। दादी साहब, मेरे साथ जो हुआ, अगर जग्गिया और भाभी उसके वजह से अपनी खुशी ना मनाए तो ये बात तो सही नहीं है ना। देख सुगनी छोरी, तू दादी साहब, भाभी और जग्गिया ने मुझे कितना संभाला है, कितना रोए हैं वो मेरे साथ, मुझे खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। मुझे पता है दादी साहब, अगर जग्गिया और भाभी की शादी की सालगिरह ना भी मनाए ना तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन दादी साहब मुझे बहुत दुख होगा। मासा, सुगना ठीक ही तो कह रही है, और हम कौन सा कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं, बच्चों की शादी का दिन है बस। बस ये बस कहने से बात खत्म तो ना हो गई बसंत। अरे बिरादरी वाले क्या सोचेंगे? कल्लो, फिर वही बिरादरी? ठीक है, तू अच्छी तरह से सोचकर बता दे, जैसे सुगना अपने भाई और भाभी के लिए कुछ करना चाहती है वैसे तू भी अपने लाडे सर की खुशी मनाना चाहती है, तो बोल वरना रहने दे। अरे अब ऐसे बोलोगी जी जी, तुम्हारे मुंह से ना कैसे निकलेगा? जगदीश तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है और उसकी लुगाई हमारी बिंदड़ी, उन्हें दुख देके भला मने कैसे सुख मिलेगा? चल
चलो मना लो शादी की सालगिरह। लेकिन ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करना, जो करना है सीधे साधे ढंग से ही करना। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा बेटा, बिल्कुल भी समय ना है हमारे पास, झटपट तैयारियां करनी होंगी। भैरव न्योता देना तो शुरू कर। अरे पूरे गांव को न्योतने की क्या जरूरत है जीजी, अरे चार छह लोग आ जावे बहुत है। हाँ हाँ कल्लू, थारी तसल्ली के लिए मैं गिनती कर ही देती हूँ। देखो जगिया के दोस्त होंगे ही, फिर आनंदी के माँ बापू और गहना के पीहर वाले, फिर आनंदी की सहेली फूली और उसके माँ बापू, और मासा की कुछ सहेलियां। अरे हाँ, और वो भमरी भौजाई, अरे आनंदी का रिश्ता लेकर तो वही आई थी ना। हाँ तो अब और कौन रह गया, मदन सिंह और उसकी घरवाली। कल्लो अब तो कोई दुश्मनी ना है, फिर बुलाने में क्या बुराई है। ठीक है बड़ी मासी जी, मैं मदन सिंह को भी न्योता दे दूंगा। और मारी एक बात ध्यान से सुनो सबके सब, आनंदी और जगिया को कानो कान इसके बारे में खबर ना होनी चाहिए। क्यों मासी जी? अरे उन दोनों को कहां याद होगा, एकदम से पता चलेगा तो कितनी खुशी होगी दोनों को, है ना सुगना? ठीक है मासी जी, उन दोनों को कुछ नहीं बताएंगे, पर एक काम करते हैं, खाने का क्या करना है वो तो तय कर। बड़ी मासी जी आने में थोड़ी सी देर हो गई। नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल ठीक समय पे आई है। घड़ी खम्मा। खम्मा घनी, आइए। आनंदी बेटा, अपनी ताईजी से जाकर कहो कि गुरुजी आ गए हैं। फूली की माँ। मारू से गुलाबो जीजी आई थी आज। गुलाबो जीजी आई थी? थारा पियर में सब ठीक तो है ना? हाँ। बड़ी अच्छी खबर लेके आई है जीजी, अपनी फूली के लिए बड़ा ही चोखा रिश्ता ढूंढा है उन्होंने। अपनी छोरी के लिए? अरे पर उसका ब्याह कैसे, वो विधवा है। जीजी ने छोरे वालों से कोई भी बात ना छुपाई। छोरा तूजवर है, 7 महीने पहले ही उसकी बेड़ी गुजर गई। भले लोग हैं, एक विधवा को अपनाने में कोई संकोच ना है उन्हें। तूने क्या जवाब दिया? इतना अच्छा रिश्ता द्वार पे आया, मना कैसे करती, मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? अरे बावली तू। देखो पुले के बाबू, एक तो गरीब की छोरी और ऊपर से विधवा, ये तो देवी माँ का उपकार है कि छोरी का घर बसाने के लिए वो हमें दूसरा मौका दे रही हैं। थारी बात सही है फूली की माँ, पर छोरी अभी स्कूल जा रही है, उसके ब्याह की इतनी जल्दी मचाने की के जरूरत है, पढ़ लिख जाए फिर करेंगे। तब तक छोरे वाले रास्ता ना देखेंगे फूली के बापू। अरे एक विधुर को तो 10 छोरी मिल जावे हैं, लेकिन एक विधवा का हाथ थामने कोई आगे ना आवे है। अरे ये तो हमारी छोरी के भाग अच्छे हैं, क्या इतने समझदार लोग मिले हैं हमारे को।
एकाएक तो छोरी हमारी, ना कोई भाई ना कोई बहन। अभी उम्र ही क्या है उसकी, अरे मारे बात कौन ख्याल रखेगा उसका, हम लोग आज हैं कल नहीं। सारी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। और भुली के बापू, मैं जानू उन लोगों को, भले गांव के हैं, बहुत ही भले लोग हैं, रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ है उनके पास। मारी छोरी के भाग समर जाएंगे, मान जाओना। बात रुपया पीसा की ना है फुल्ली की माँ। तो फिर के बात है फुल्ली के बापू, अरे हमारे पास अगर रुपया पैसा होता तो चिंता करने की जरूरत ना थी, लेकिन आप तो जानो है दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल है, ऐसे में चोरी के लिए के छोड़ के जाएंगे, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दो। सोचने का थोड़ा बखत तो दे फुल्ली की माँ। बखत ही तो ना है अपने हाथ में, छोरे वालों को ब्याह की बहुत जल्दी है, अखा तीज को ही करना है। अखा तीज, वो तो बहुत बुरे दिन देखे हमारी छोरी ने, समाज बिरादरी वाले उसे अपशगुनी और मनहूस बोले जो हमारे से बर्दाश्त ना होवे है। अरे जब हमारे सामने इतना कुछ कह सके हैं तो हमारे जाने के बाद क्या हाल करेंगे, जिसको जन्म दिया है उसे नरक जैसा जीवन जीते देखना, मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति ना मिलेगी। अपनी छोरी खातिर मान जाओ भूले के बापू, उसे नया जीवन दे दो। अपनी छोरी की खुशी मैं भी चाहूं फुल्ली की माँ, पर इतनी जल्दी ब्याह के लिए पैसों का बंदोबस्त मुश्किल है। जी जी बोल रही थी कि छोरे वाले ब्याह खातिर खर्चा उठाने को भी तैयार हैं। ना जे तो ना हो सका फुल्ली की माँ, गरीब सही, पर बेटी का ब्याह के लिए सासरा वालों से मदद लेना, इससे तो अच्छा होएगा कि चिंता करने की क्या जरूरत है पुली के बापू, छोरे वालों को ब्याह की जल्दी है इसलिए ज्यादा तामझाम ना चाहिए उन लोगों को। और जीजी बोल रही थी कि बस सीधे साधे ढंग से फेरे हो जावे बहुत है, और ऐसे में तो खर्चा भी कम होवेगा, और इतना तो आप उधार ले सके हो ना। जैतसर में तो बस एक भैरव सिंह जी है अपनी पहचान के, वो मदद करने से पीछे ना हटेंगे, पर फूली के ब्याह की बात को सुनकर मन ने तो ना लगा कि वो राजी होंगे। अरे उनके कहने से ही तो छोरी को स्कूल में डाला है, उनके बहुत एहसान हैं हम पे, उनको नाराज करना ठीक नहीं होगा। तो आप समधी साखू जी मत बताना कि आपको कर्जा किस लिए चाहिए, ईश्वर की कृपा से छोरी के भाग में जिद आए हैं, प्याह में कोई अड़चन ना आनी चाहिए। आप समधी साखू प्याह की कोई बात मत बताना। जब तक कन्या को बोझ समझने की मानसिकता को जनता नहीं त्यागेगी, बाल विवाह रोकने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा।